इज स्पॉन्सर्ड बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सी, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं वीरेंद्र गहवई। खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। अपनी मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का रेल रोको आंदोलन, पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में प्राचार्य और व्याख्याता का मामला गरमाया, प्रताड़ित व्याख्याता अपोलो में भर। जमीन विवाद में बेटे ने मां और भाई को उतारा मौत के घाट, मजदूर क्षेत्र के दोहरे हत्याकांड का खुलासा। और मुंगेली को इंडोर स्टेडियम समेत करोड़ों की सौगात, मुख्यमंत्री ने दोहराया क्षेत्र के विकास का वादा। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में रेल रोको आंदोलन किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर यह सांकेतिक रेल रोको आंदोलन किया गया था, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में फरसा, तीर कमान, भाला जैसे पारंपरिक हथियार लेकर तार बहार फाटक रेल रोकने पहुंचे। जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। माहौल को तनावपूर्ण होता देख RPF और जिला पुलिस बल द्वारा हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस को खदेड़ते हुए रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ गए। लेकिन अंत में SDM की समझाइश के बाद उनका आक्रोश शांत हुआ और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर रेल रोको आंदोलन खत्म किया गया। 14 जनवरी हम रचनात्मक काम करते हैं, हम किसी सरकार से एक नया पैसा लेते भी नहीं, देते भी नहीं। हमारा है कि उस दिन हम, क्योंकि हमारा बड़ा देव का पूजन स्थान है और उस दिन मेरी जन्म दिवस है, तो इसलिए हम उस दिन गोंडवाना कृषि उद्योग गोंडवाना बहुद्देशी कृषि उद्योग कंपनी की स्थापना करेंगे और गोंडवाना विकास बैंक की स्थापना करेंगे, ताकि लोगों को कोई भी बेरोजगार ना हो, सबके घर में दोनों टाइम में 20 किलो दूध हो, हमारी योजना है। ये सरकार क्या विकास करेगी, नौकर जो है, हमें अपना विकास हम खुद करेंगे। धरती हमारे पास है, जंगल हमारे पास है, ब्रेन हमारे पास है। शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रेलवे स्थित उर्दू स्कूल मैदान में आम सभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में आंदोलन की बात कही गई और इस आम सभा के माध्यम से अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का हनन, राज्य सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन और अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु SDM को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सभी आदिवासियों को एकजुट होकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। जो हक है उसे लेने के लिए 50% का हिस्सेदारी चाहिए। मुआवजा तो चूंकि हम वहाँ से जमीन दे रहे हैं उसके बदले में होगा, नौकरी जमीन दे रहे हैं उसके बदले में होगा, और यहाँ जो उनके द्वारा जो रिटायर्ड IAS IPS, अरे उनकी सेवा पूरी हो गई तो उनको रखने का क्या मतलब है। कहने का अर्थ है कि उनके माध्यम से आप यहाँ शोषण कर रहे हो, भ्रष्टाचार में शासन का पूरे के पूरे मंत्रिमंडल लिप्त है, और इसे विरोध स्वरूप हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन से शुरू कर रहे हैं। ये रेल रोको आंदोलन ये केवल खाली आज चेतावनी है, बाद में इसे हम व्यापक रूप में पूरे प्रदेश में रेल रेको, चक्का जाम, जो भी करना पड़ेगा ये करेंगे। शहर में स्थित कोर्ट यार्ड मैरियट होटल द्वारा नाबालिगों को नशे की ओर धकेला जा रहा है।
यहां नाबालिगों को पार्टी के नाम पर शराब और शबाब परोसा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बाहरी लोगों को होटल में काम देकर अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यायधानी के नाम से जाने वाले बिलासपुर शहर की संस्कृति और सभ्यता ही यहाँ की पहचान है, लेकिन न्यायधानी के नाम को शहर में खुलेआम कोडियार्ड मेडियार्ड होटल बदनाम कर रहा है। यहाँ खुलेआम नाबालिगों को शराब परोसकर युवा पीढ़ी को नशे का आदि बनाया जा रहा है। युवक युवतियाँ होटल के बार में रेव पार्टी के नाम पर बाहर से युवक युवतियाँ आते हैं और पार्टी में हुक्के के धुएं से अपनी जिंदगी के दो पल गंवा दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की माने तो शहर के कोडियार मेडियार्ड होटल में खुलेआम पार्टियों की आड़ में नाबालिगों का प्रवेश कराया जाता है। यहाँ वह मजे से इन सभी पार्टियों में नशे में डूबते रहते हैं। वहीं इसके बारे में उनके द्वारा कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। शहर के मेडियार्ड होटल में बाहरी लोगों से काम भी लिया जा रहा है। बाहरी लोगों के आने से शहर में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, जिस पर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। बिलासपुर में जितने भी बड़े होटल हैं, मैनेजमेंट के साथ ही साथ पूरे कर्मचारी भी वहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और उनका प्रॉपर ब्यौरा नहीं रखा जाता, जो कि शोचनीय विषय है। और जो कार्य बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के निवासियों को दिया जाए, तो यहाँ बेरोजगारी में भी कमी होगी, साथ ही साथ जो अपराध की घटनाएं होटलों में लगातार पाई जाती हैं, उनमें भी कमी आएगी। पहले 2-3 बार हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के। आप देख रहे हैं कि बिलासपुर, जो कि संस्कारधानी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर इस प्रकार के होटलों का जो प्रवेश है, मिडियार्ड होटल है, अपना तंत्रा है, TDS, इन सबके कारण आज नाबालिग बच्चों को वहाँ पर नशे के गिरफ्त में लाया जा रहा है। वहाँ पर कई प्रकार की अश्लील चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, जिसके कारण आज हम लोग का जो बिलासपुर संस्कारधानी है वो आज पाश्चात्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक असभ्यता और एक अश्लीलपन जो है बिलासपुर के अंदर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कठोर विरोध करता है और अभी भी हम लोगों ने कुछ समय पहले इस चीज़ पर अभी ज्ञापन दिया है और इसके बाद निरंतर अब इसमें अब हम लोगों का जो है आंदोलन शुरू होने वाला है। एक तरफ न्यायधानी के नाम को शहर में चल रहे कोडियार्ड मेडियार्ड होटल बदनाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बड़े संस्थान पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इसी तरह के गोरख धंधे इन होटलों में चलते हैं और इन पर प्रशासन कब लगाम लगाती है। कैमरामैन पंकज मसी के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, सिटी न्यूज, बिलासपुर। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल मामले में जांच अधिकारी ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। अब मामले में पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार लेक्चरर पूर्णिमा मिश्रा पर धरने के लिए छात्राओं को अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने और प्राचार्य पर व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने समेत कई आरोप साबित हो चुके हैं। 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं कक्षा का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गई थी। छात्राओं का आरोप था कि प्राचार्य ए त्रिवेदी छात्राओं से शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करती है, शाला विकास समिति के नाम पर 500 रुपए और अन्य खर्च के नाम पर 90 रुपए वसूले गए हैं और स्कूल फंड का दुरुपयोग भी प्राचार्य द्वारा किया जाता है। वहीं छात्राओं ने यह भी कहा था कि प्रिंसिपल समय पर स्कूल नहीं आती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है। इसके पहले 16 नवंबर को स्कूल की लेक्चर पूर्णिमा मिश्रा ने प्राचार्य के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी। उन्होंने प्राचार्य पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और प्राचार्य के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। कलेक्टर साहब से अपना कंप्लेंट लेके गए, उन्होंने आदेश दिए। उस दिन जनदर्शन चल रहा था, उन्होंने आदेश दिए। इन प्राचार्यों को मैं बर्दाश्त नहीं कर, कोई स्टाफ बर्दाश्त कर रहा है। इनकी मनमानी हम बच्चे, टीचर, स्टाफ सब बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी हमने कोई आक्रोश नहीं जताया, लेकिन आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। मुझे 2 थप्पड़ मारना मन ने मारी है, तो मार दीजिए मुझे 2 थप्पड़, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो मैं सुसाइड करूंगी, कहीं मेरी समस्या होगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए DEO ने MLB की पूर्व प्राचार्य और PGBT कॉलेज की वरिष्ठ प्राध्यापिका नलनी पांडे को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। मामले के जांच के बाद अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी है।
लेकिन इसके बावजूद लेक्चरर पूर्णिमा मिश्रा अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है और दर्जनों हथकंडे अपनाते हुए मनचाहा बयान दे रही हैं। और मेरा प्रकरण बिल्कुल अलग था, इसका उस बच्चों के विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। और बच्चे क्या किए उसके वो जवाबदार स्वयं हैं, बच्चों का मुझे नहीं मालूम। पर मेरा अपना आवेदन लगा था कलेक्ट्रेट में, जिसकी इंक्वायरी के लिए अधिकारी उस दिन आने वाले थे और मैंने अपना पक्ष अधिकारियों के समक्ष रख दिया था। इससे यह भी मालूम चलता है कि लेक्चर पूर्णिमा मिश्रा प्रिंसिपल से पुरानी दुश्मनी के चलते और प्राचार्य के सीट पर बैठने प्राचार्य के खिलाफ बच्चों को उकसा रही है और आंदोलन करने से पीछे नहीं हट रही है। संडे को पेपर था 22 तारीख को, मेरी ड्यूटी नहीं थी। अभी तो आप मैडम से पूछे, वो निकलवाएंगे तो पता चल जाएगा कितने पर्यवेक्षकों ने कब का काम किया है। पर्सनल ही रहते हैं रिश्तेदार, सब पर्सनल ही है। और सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके पदस्थापना के संबंध में जानकारी देंगे, वो सब पर्सनल ही रहते हैं। शिक्षा विभाग और जाँच अधिकारी की माने तो लेक्चर पूर्णिमा मिश्रा पर छात्राओं को अप्रत्यक्ष रूप से धरना के लिए उकसाने का आरोप साबित हुआ है और जांच अधिकारी ने आत्मदाह करने की धमकी देने को अवैधानिक बताया है। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में प्राचार्य को लेकर उठा विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। व्याख्याता पूर्णिमा मिश्रा ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है, जिसमें उन्होंने प्राचार्य ए त्रिवेदी की प्रताड़ना से ब्रेन अटैक आने की जानकारी दी है। वहीं इसकी शिकायत व्याख्याता पूर्णिमा मिश्रा के परिजनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया है, साथ ही जांच कर दोषी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रिंसिपल जी का डिस्प्यूट हुआ था, प्रिंसिपल जरा बहुत टेंशन दिया गया था और इतना था कि 4-5 दिन सोए नहीं थे घर में। अचानक परसों रात भर सोए नहीं, सवेरे नींद पड़ी एकदम तेज सिर दर्द, उनको फिर इतने बेहोशी टाइप हालत हो गई थी। तो अस्पताल लगाए तो डॉक्टर ये बोले टेंशन के बहुत ज़्यादा है और मैंने सीवियर ब्रेन अटैक है, प्रिंसिपल है, इनसे चल रहा है इनका टेंशन, प्रिंसिपल द्वारा ही पूरा टेंशन है। घर में भी वो मनी थी, वो 3-4 दिन सोना वोना नहीं, वो टेंशन तो बहुत है उसका। और उसका जो मेन ब्रेन अटैक के कारण वही है इसका। शुक्रवार को महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में साल भर की पढ़ाई पर चर्चा किया गया, वहीं आगामी परीक्षा को लेकर तैयारी करने चर्चा हुई, जहां डीईओ ने जिले के सभी प्राचार्य और शिक्षकों को पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने पर फटकार लगाई और उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी प्राचार्य और शिक्षकों ने भी अपनी समस्या डीईओ के सामने रखी। उत्तर पुस्तिका भी प्राचार्य को नहीं मिले हैं और प्राचार्य जिस विषय को पढ़ाते वो भी नहीं मिला है। प्राचार्य के द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय का भी उत्तर पुस्तिका त्रैमासिक का एक महीने पहले में क्या वहाँ पे नहीं मिला था, बहुत शर्मनाक स्थिति आई। प्लीज इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, मैं नहीं बोलिए, मैं यहाँ पे नाम ले लूँ, शिक्षकों की बात अलग है, प्राचार्यों के द्वारा नहीं किया गया।